हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश पाटिल, मैथ्स क्रिएटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया था रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं सी एफ। ठीक है, नाउ आज डिस्कस करेंगे हम रूल्स फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स पी आई, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पी आई बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का पीआई कैसे फाइंड करते हैं आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया है, वही हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, देन पीआई, जब पीआई जो रहता है हमारा, पीआई जो होता है वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स होता है, तो हम पीआई को क्या बोलेंगे, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स बोलेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ डी क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमारा जो एफ ऑफ डी होता है डी रेस टू एन प्लस ए वन डी रेस टू एन माइनस वन प्लस ए टू डी रेस टू एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि एफ ऑफ डी कैसे निकाला था मैंने। ठीक है, आज हम उसके कुछ रूल्स फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल के कुछ केसेस पढ़ेंगे। तो पहली केस होती है उसकी, व्हेन, जब हमारा कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, व्हेन ये जो हमारा एक्स है ए एक्स अगर ई रेस टू ए एक्स टाइप में हो, किस टाइप में, ई रेस टू ए एक्स टाइप में। ठीक है, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू ए एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस एक्स की जगह क्या रख देंगे, फिर ई रेस टू ए एक्स, क्योंकि हमारा एक्स क्या है, इस टाइप का होना चाहिए, किस टाइप का, इस टाइप का, ई रेस टू ए एक्स टाइप का। ठीक है, तब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है ना, तो एक्स की जगह क्या रख दिया, ई रेस टू ए एक्स रख दिया। ठीक है, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, हमें क्या करना है यहाँ पे, इस केस में जहाँ जहाँ पे डी दिखेगा, मतलब हमारा जो एफ ऑफ डी रहेगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेगा, डी जो निकाला रहेगा हमारा, एफ ऑफ डी रहेगा, वहाँ पे क्या रख देंगे, हम सीधा ए रख देंगे, क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ ए रख देने का है, जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे क्या कर रख देंगे, हम ए रख देंगे, और ई रेस टू ए एक्स एज इट इज़, वैसा कि वैसा। बट यहाँ पे एक शर्त है, यहाँ पे किसी क्या शर्त है कि हमारे एफ ऑफ ए क्या चाहिए, जो हमारा एफ ऑफ ए है नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए, ये हमारा ये फॉपिक क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा, अगर ये फॉपिक अगर जीरो हो गया सर, अगर ये फॉपिक अगर जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं चाहिए, ठीक है, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसा कि ऐसा बोल देंगे, क्या कर देंगे, ए को सीधा पुट कर देंगे डी की जगह पे। अगर सर तुमने बोला कि यहाँ पे अगर ये फॉपिक अगर जीरो हो गया तब क्या होगा, तो उसके बारे में अभी देखो, यहाँ पे केसेस कैसे लिए, दो केसेस लिए मैंने। इफ़ ए फॉपे इज इक्वल टू जीरो, अगर सपोज ए हमारा ए फॉपे अगर जीरो हो गया, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू ए एक्स, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ठीक है, ई रेस टू ए एक्स, इसमें क्या चेंजेस होना है कि अगर ये हमारा एफ ऑफ ए अगर यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो क्या करने का, एक एक से मल्टीप्लाई करने का, किसको, इस टर्म को, ठीक है, इस टर्म को क्या करने का, एक एक से मल्टीप्लाई करने का, और इसका डेरिवेटिव लेके वहाँ पे डी की जगह क्या पुट कर देने का, ए पुट कर देने का। मैंने क्या बोला, एक एक से मल्टीप्लाई करो, एक एक से ऊपर मल्टीप्लाई करो, और इस टर्म का डेरिवेटिव लो, एफ डैश ऑफ डी निकालो, और वहाँ पे डी की जगह क्या पुट कर दो, ए पुट कर दो। यहाँ पे भी वही कंडीशन कि हमारा जो एफ डैश ऑफ ए रहेगा वो भी नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए, वो भी क्या चाहिए हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। ऐसा अगेन अगर जीरो हो गया, ऐसे ही इफ एफ डैश ऑफ ए अगर जीरो गया, अगर ये भी जीरो हो गया, देन अगेन वैसे ही सिमिलरली वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स, मतलब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं हम, अगेन एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे, ए पहला एक्स था, अगेन एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो ऐसी फर्दर प्रोसेस हमें करते जाने, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस क्या होगा, और एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे, डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, जो निकाला रहेगा हमारा डेरिवेटिव, उसका और एक डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, और वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, किसकी जगह पे, डी की जगह पे। ठीक है, आगे जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे उससे पूरा क्लियर हो जाएगा तुमको आइडिया। ठीक है, यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ ए जो हमारा एफ डैश ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। ठीक है, मैं अभी कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ इस केस के ऊपर, उससे हमें आइडिया क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं हम इसके ऊपर। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, पहला एग्जांपल ऐसा बोल रहा हूँ, सॉल्व क्या बोल रहा है, पहला एग्जांपल सॉल्व डी स्क्वेयर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू थ्री एक्स। मतलब देखो यहाँ पे हमारे x की जगह पे, यहाँ पे ध्यान से देखो a वाला x, यहाँ पे ध्यान से देखो a वाला x, x की जगह क्या आ गया अभी ई रेस टू थ्री एक्स।
ठीक है, मतलब इसी टाइप में हो, ई रेस टू ए एक्स टाइप में, ठीक है। ए की जगह क्या आ गया, अभी ए की जगह पे क्या आ गया है, थ्री आ गया है, कंपेयर करना है, ठीक है, तो ए टाइप पे हो, ठीक है। तो अभी हम इसका क्या निकालेंगे, अभी हम पिछले जो एग्जांपल पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हमेशा जीरो होता था, तो हम सीधा पर्टिकुलर इंटीग्रल को क्या बोल देते थे, जीरो बोल देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे ई रेस टू थ्री एक्स है ना, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो क्या दिया है, सॉल्व डी स्क्वेयर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू थ्री एक्स। तो इसको हम लिखते कैसे हैं सॉल्यूशन में, गिवन गिवन क्या दिया है, डी स्क्वेयर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू थ्री एक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बोलेंगे इसको हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अभी हम इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो देयरफॉर हमें पता है इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या निकालते हैं हम इसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैंने क्या बोला था, जहाँ जहाँ पे डी वहाँ पे क्या पुट करते हैं हम, जीरो पुट कर देते हैं, और इक्वल टू में क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, इक्वल टू में क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। क्या होगा, एम स्क्वेयर माइनस थ्री एम प्लस टू इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अभी हम क्या किया, मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम, जहाँ पे डी वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, एम पुट कर देते। अभी इसके क्या निकालेंगे हम, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। वही प्रोसेस है, सी एफ निकाल रहे पहले में, क्योंकि हमारी जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या लगता है, सी एफ प्लस पी आर, ठीक है। तो पहले सी एफ निकाल रहे हैं। तो अभी माइनस थ्री के लिए हमें कैसे एडजस्टमेंट करनी है, देखो माइनस थ्री के लिए कैसे फैक्टर निकालने कि हमारा उसका प्लस और माइनस क्या आ जाए, माइनस थ्री आ जाए, और मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए, टू आ जाए, प्लस टू आ जाए। हमें पता है माइनस थ्री के लिए माइनस टू और माइनस वन क्या होता है, माइनस थ्री होता है, ठीक है। और माइनस टू इंटू माइनस वन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो दो एकम दो, माइनस टू इंटू माइनस वन क्या होता है, कितना होता है, टू होता है ना, ऐसा, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स में क्या क्या आएगा हमारा, माइनस टू और माइनस वन, तो कैसे आएगा वो हमें पता है, दैट इम्प्लाइज कैसे आएगा, यम माइनस वन एक बार ले लेंगे माइनस वन, और दूसरा क्या लेंगे, यम माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा माइनस का वन है, उधर जाके क्या कहूँगा, प्लस का, तो यम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस का वन, और ये माइनस का टू उधर जाके प्लस का होगा, तो यम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस का टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले रूट बोलते हैं और इसको सेकंड रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूट क्या मिला, वन, और सेकंड रूट क्या मिला, टू। तो देखो ध्यान से, दोनों रूट्स हमारे क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है और डिस्टिंग है, रियल एंड डिस्टिंग। तो हम क्या लिखेंगे, हम रियल एंड डिस्टिंग रूट, ठीक है, डिस्टिंग रूट्स, ठीक है। तो हमें पता है जब जब हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंग, डिस्टिंग मतलब अलग अलग रहते हैं, तो सी एफ कैसे निकालते हैं हम इसके लिए, सी एफ कैसे निकालते हैं, सो देयर फॉर सी एफ, सी एफ कैसे निकलेगा, सी वन ई रेस टू एम वन, एम वन कितना है, एम वन एक्स, मतलब एम वन कितना है, एम वन एक्स, मैं एक बार लिख देता हूँ, प्लस सी टू ई रेस टू एम टू एक्स, जब रियल एंड डिस्टिंग रूट हो तब, ठीक है। तो सी वन ई रेस टू एम वन कितना दिया है, वन दिया है, तो वन लिखने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ क्या आएगा, एक्स, प्लस सी टू ई रेस टू एम टू कितना दिया है, टू दिया है, तो टू एक्स, ये हमारा क्या हो गया, सी एम, ठीक है, हमारा क्या हो गया, सी एम। नाउ नाउ अभी हम क्या निकालेंगे इसका, पी आर, क्या निकालेंगे, पी आर। नाउ इट्स पी आर, पी आई के लिए क्या निकालते हैं हम, पी आई के लिए क्या करते हैं, पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो देयर फोर पी आई इज इक्वल टू, पी आई के लिए मैंने अभी बोला तुमको, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, ऐसा करते हैं, ठीक है, हमें पता है, वी हैव वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। तो ये आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो एफ ऑफ डी होता है, एफ ऑफ डी क्या होता है हमारा, ए होता है, क्या होता है, ए वाला, ठीक है, ध्यान से देखो, ए वाला हमारा एफ ऑफ डी होता है, ठीक है, ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वन अपॉन क्या आएगा, पूरा लिख लो, डी स्क्वेयर माइनस थ्री डी प्लस टू, ठीक है। यहाँ पे एक्स, एक्स क्या है हमारा, एक्स कितना दिया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स क्या दिया है, ई रेस टू थ्री एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ई रेस टू थ्री एक्स। तो हमारी केसेस बोली मैंने तुमको पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, कि हम क्या पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे डी वहाँ पे पुट कर देंगे सीधा ए,
एक ही जगह के आ गया है, यहाँ पे थ्री आ गया है, तो थ्री डायरेक्ट पुट करके देखो, अगर ये यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा होगा तो जीरो नहीं होगा, तो वही पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर जीरो हो रहा होगा तो हम आगे और एक प्रोसेस करते हैं, डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। पुट करके देखो, साइड में पुट करते हुए देखो, जहाँ पे डी वहाँ पे क्या पुट करोगे, थ्री पुट करते हुए देखो, तो क्या होगा, थ्री का स्क्वेयर नीचे, हाँ नीचे पुट करना है, माइनस थ्री इंटू डी की जगह क्या पुट करना है, थ्री, ठीक है, प्लस टू, क्या हो रहा है, थ्री का स्क्वायर कितना आता है, नाइन, माइनस तीन त्रिया नौ, प्लस टू, ठीक है, नाइन से नाइन कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ टू बचा, तो जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा पुट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर दो, थ्री स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस टू ई रेस टू थ्री एक्स, ठीक है, ई रेस टू थ्री एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन, अभी निकाला हमने, इसका आंसर क्या निकाला, टू निकाला, ठीक है, वन अपॉन टू ई रेस टू थ्री एक्स, ई रेस टू थ्री एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या आ गया हमारा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो देयरफॉर अभी हमारा फाइनल आंसर होता है, फाइनल आंसर क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे होता है, सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना दिया है, सी एफ कितना दिया है, सी एफ ये देखो, सी एफ हमने निकाला था सी वन ई रेस टू ए एक्स प्लस सी टू ई रेस टू टू एक्स, ठीक है। तो सीधा लिख लेते हैं हम सी एफ, सी वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू टू एक्स, ठीक है, प्लस प्लस अभी पी आई, पी आई कितना दिया है, ई रेस टू टू एक्स, ठीक है। अभी प्लस सी वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू टू एक्स हमारा सी एफ हो गया, और प्लस पी आई, पी आई कितना दिया है, वन अपॉन टू ई रेस टू थ्री एक्स, तो क्या आएगा, वन अपॉन टू ई रेस टू थ्री एक्स, ये हमारा क्या होगा, एंसर, फाइनल एंसर, ठीक है। इस प्रकार हम कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल ई रेस टू ए एक्स टाइप के पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो ये पहला एग्जांपल था, इससे तुमको क्लियर हो चुका होगा, आगे कुछ एग्जांपल अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, थैंक यू, धन्यवाद।